रहमान साहब, क्योंकि सेंगोल की स्थापना को लेकर भी बहुत सारे सवाल कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां उठा रही हैं। वो कह रही हैं कि ये तो एक पर्टिकुलर धर्म विशेष का नजर आता है, लेकिन बीजेपी कहती है कि ये तो संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला है। और संस्कृति भारत की ये है कि यहां पर सभी को न्यायपालिका में बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। संस्कृति हमारी ये कहती है कि भारत देश निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए। तो उस संस्कृति से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? इसे धर्म विशेष के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? अनुराग जी, देखिए, एज अ रिसर्चर और कंपैरेटिव रिलीजन के रिसर्चर की हैसियत से, ये जो धर्म के नाम पे अधर्म हो रहा है, इसका ड्रामा अच्छी तरह से भारतीय लोग समझ रहे हैं। और आज एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई अनुराग जी, कि बीजेपी सिर्फ एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटीज नहीं है, एंटी ट्राइबल्स नहीं है, बल्कि ये एंटी नेशनल, एंटी इंडिया है, एंटी इंडियन है। 20 से ज्यादा ऑपोजिशन पार्टीज गलत हो गई और सिर्फ पिन कॉन्स सही साबित हो गए। उद्घाटन में शामिल भी हो रही है ना, धर्म के नाम पर जनरल जिया ने 1980s में पाकिस्तान को उस आग में झोंका था, वो आग में आज भारत को झोंका जा रहा है। रहमान साहब, आपको कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। नहीं, अतीकू रहमान साहब, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं 31 विपक्षी पार्टी, अतीकू रहमान साहब, आप कह रहे हैं 21 विपक्षी पार्टियां खुद को अलग कर रही हैं, लेकिन 26 साथ में भी तो आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि यहां पर जो तमाम चीजें की जा रही हैं उसके पीछे का एक फैक्चुअल आधार है। जिस सेंगोल को स्थापित करने की बात की जा रही है उसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था संतों के हाथों से, जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, पावर का हस्तांतरण हुआ था। वो तो सिर्फ हमारे देश की संस्कृति को बयां करता है, इसीलिए उसे स्थापित किया जा रहा है। उसे धर्म के चश्मे से क्यों देखा जा रहा है? को लेके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेजेस आगे बढ़ाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, कोई तत्व नहीं है। मैं आ रहा हूं मनोज यादव, संस्कृति इस तरह से नहीं चलती है डेमोक्रेसी के अंदर। या तो आप लोकतंत्र को चुन लीजिए या संस्कृति को चुन लीजिए। ये एक ही भगवाकरण जो हो रहा है, इस भगवाकरण को नकार दिया जाएगा भारत के लोगों। यादव जी, ये लोकतंत्र के मंदिर में, जहां पर कल इतनी एक बड़े इवेंट को, यानी कि पूरे देश के लिए एक जो बड़ा राष्ट्रीय पर्व कहा जा सकता है, उसे भगवाकरण का नाम दे रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पंचप्रण के बारे में बात कही थी कि जो विदेशी मानसिकता के प्रतीक है उनसे मुक्ति होनी चाहिए और अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए, लेकिन ये विरासत पर गर्व करना नहीं चाहते। मैं पूछना चाहता हूं कि उस समय चाचा नेहरू ने जो किया था वो सही किया था? मोदी जी कर रहे हैं तो गलत किया है? और मैं पूछता हूं कि वहां लोकसभा स्पीकर के नीचे लिखा रहता है धर्म चक्र परिवर्तन आए, क्या उसको बदलेंगे? जब मैं पूछता हूं सर्वोच्च न्यायालय, जिस सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठाते हैं, ये तो सवाल सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठाते हैं। आपने देखा होगा राम मंदिर का जब फैसला आया तो ये छाती पीट रहे थे, कौन से संविधान को मानने वाले लोग हैं? अरे आप तो राम मंदिर का जब फैसला आया तो छाती पीट रहे थे, और हिंदुओं की तुलना तालिबान से, बोको हराम से, ISI से करते हैं, इस्लामिक स्टेट बनाने तक की बात करते हैं। मैं पूछता हूँ सर्वोच्च न्यायालय का जो टैगलाइन है, ये तो धर्म तत्व हो गया, ये तो धर्म तत्व हो गया, क्या उसको भी बदलोगे? क्या नहीं बदल बचाओगे? अतीकू रहमान, ये धार्मिक चश्मे से देखना बंद करो। संविधान संविधान के हिसाब से चलेगा, जो परंपरा है, रीति रिवाज है। समाजवादी पार्टी से जो मैं आपके पास आ रहा हूँ सर, इसके बाद आऊंगा लोकेश जिंदल जी। एक बहुत बेसिक सा सवाल ये है कि इस जिस घड़ी का इंतजार पूरा, मनोज जी प्लीज अपनी बात को पूरी कर लीजिए, फिर मैं लोकेश जिंदल के पास जाता हूँ। जी, जिन 21 दलों की बात कर रहे हैं, वो 21 दल वही है जो कहने गए थे सर्वोच्च न्यायालय में, ईडी सीबीआई के लिए हमें अलग कानून बना दो, भ्रष्टाचार के लिए अलग कानून बना दो, हमें विशेष छूट दे दो, और सर्वोच्च न्यायालय ने उनको ठीक है सर, टॉपिक पर आते हैं लोकेश जिंदल जी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि साल 2012 में जो लोकसभा की स्पीकर पीटा कुमार, उन्होंने खुद इस बात को कहा था कि जरूरत है देश में एक नए संसद की, और आज जब नया संसद बनकर तैयार है, उसके उद्घाटन में जब आप लोगों को बुलाया जा रहा है, तो आप लोग फिर क्यों पीछे हट रहे हैं? और वो भी धर्म और सनातन पद्धति से जो पूजा हो रही है उसके विरोध के नाम पर। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने अनुराग जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नई संसद की मांग की गई थी, लेकिन अभी जो वर्तमान में संसद है इसे भी बढ़ाने का बहुत स्कोप था। खैर, वो तो दूसरा मुद्दा है। अब तो नया संसद बना लिया गया है और स्थापित भी होने जा रहा है, ऐतिहासिक, बहुत बड़ा ऐतिहासिक मोमेंट है ये भारत के इतिहास में। लेकिन जिस तरह से भाजपा, अभी जो हमारे साथ में पैनलिस्ट हैं मनोज यादव, अगर संतुष्ट हो जाते
इंदिरा गांधी के नाम पे नामकरण होता तो संतुष्ट हो जाते, आ जाते आप लोग। आप मुझे एक बात बताइए, आप सब आप मर्यादा और सभ्यता क्यों नहीं रखते? इंस्टीट्यूट ऐसे क्या मैंने अभी तक किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम लिया है? आप क्यों विशेष हो रहे हैं? विचित्र हो जाती है, आप मर्यादा क्यों नहीं रखते? मनोज यादव तो छाती पीटने लग जाते हैं, जब छाती पीटने लग जाते हैं आपको पीड़ा होने लगती है। 75 सालों मनोज यादव जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी आपसे पूछ रहा हूँ, तो मनोज यादव जी अगर आप बोलना बंद करेंगे मैं आपका सवाल पूछूंगा। राष्ट्रपति को आप गाली देते हो, फिर राष्ट्रपति के लिए अचानक आपका प्यार जाग जाता है, सेंगोल के ऊपर आप सवाल उठाते हो, मनोज यादव जी आपके इस तरह से बोलने से आपकी पब्लिक इमेज खराब होगी, जो मुद्दा स्थापित की जाती है उस पर सवाल उठाते हो। मैं सवाल पूछूं अपना, ठीक है लोकेश जिंदल जी, संक्षेप में 10 सेकंड आपके पास लोकेश जी। चाहे बाबा साहब अंबेडकर हो, लोकेश जी बहुत जल्दी जल्दी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सवाल पूछना चाह रहे लोकेश जी, आपके सभी धर्म का महिमा मंडन होना चाहिए, बौद्ध धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, इस्लाम धर्म है, क्या आप सभी को बुलाओगे? अभी केवल एक धर्म को बुलाओगे? अगर आप धर्म धर्मों के आधार से थोड़ी बुलाया गया, जिन लोगों को संसद में रिप्रेजेंटेशन देना है बुलाया तो उन्हें क्या है, वो किसी भी धर्म जाति का हो। मर्यादाओं को बहुत जल्दी से लोकेश जी प्लीज 10 सेकंड है। अरे देखिए, भारत की धरोहर के अंदर सभी धर्मों का त्यागी होना है। अगर आप वाकई में भारत की धरोहर इतिहास संस्कृति को दर्शाना चाहते हैं तो वे सभी धर्म के जो लोग हैं उनकी मान्यता और उनके प्रति आपको याद होगा संसद में लाएं, उन सबको आपको याद होगा जब इसका भूमि पूजन किया गया तो सर्वधर्म सद्भाव प्रार्थना सभा भी आयोजित की गई थी, सभी धर्म के लोग शामिल थे जी। और सेंगोल की क्यों नहीं सांस्कृतिक मान्यता है, उस गंगोल जिसकी सांस्कृतिक मान्यता है दरअसल उसको स्थापित किया जा रहा है ना सर, जो कि एक लोकतंत्र का प्रतीक। मैं आ रहा हूँ आपके पास एक मिनट, मनोज यादव जी जो समाजवादी पार्टी से, मैं बहुत जल्दी से आता हूँ, मनोज यादव जी मुझे 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा। एसटी हसन जिस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो इस बात को जानते हैं कि जिस पुराने संसद भवन को लेकर वो इतनी वकालत कर रहे हैं वो भी एक एक प्राचीन मंदिर के आधार पर बनाया गया है? जब एडविन लुटियन गए थे वहां पर मुरैना में 30 किलोमीटर दूर उस गांव में, जब उन्होंने उसको देखा था जिसे 64 योगिनी मंदिर कहते हैं आज, तो उसके बाद उसकी स्थापना की गई थी। तो सनातन और हिंदू धर्म से जुड़ाव वाला संसद भवन तो पहले ही बन चुका है, आज किसी धर्म विशेष के नाम पर पर्टिकुलर टारगेट क्यों किया जा रहा है? अनुराग जी, अगर पुरानी संसद गुलामियत का प्रतीक है तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में मत्था क्यों टेका था? उस संसद नहीं टेकना चाहिए, वो नौटंकी क्यों की थी नरेंद्र मोदी नहीं करनी चाहिए। स्टेट का कोई धर्म नहीं, तुम्हें बीमारी है क्या? बीमारी है क्या? बीच में बोल रहे ठीक है सर।